दरभंगा का हायाघाट प्रखंड जो हर साल बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन बावजूद इसके इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। न बांध की मरम्मत को लेकर कोई ठोस व्यवस्था की जाती है और न ही लोगों तक इस परिस्थिति में सहायता का कोई इंतजाम। इस वर्ष भी क्या हालात हैं, वो आप इन तस्वीरों में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। कई गांव में करीब करीब घरों की छत तक पानी भरता जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में आम आदमी के साथ मवेशियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विकराल होती तस्वीर के बीच हायाघाट प्रखंड निवासी और कांग्रेस नेता साजिद हुसैन ने क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए डीएम साहब से गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हायाघाट के बिलासपुर गांव में बांध में दरार व रिसाव की खबर है, और जबकि बांध में दोनों छोर से तेज गति से कटाव जारी है। इसकी सूचना मिलते ही जहां एक और प्रखंड के लोगों में दहशत है, तो वही कांग्रेस नेता डीएम साहब से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। साजिद ने कहा कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही पूरा हायाघाट जलमग्न हो जाएगा। बांध रोका है ऐसे ऐसे रास्ते देखो, ऐसे पानी आ रहा है, बस टेंट लगा लगा कहां सारा और मुर्गी के